नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्यूज बकर्स पे। दोस्तों मैं शुभम आज आपके साथ शेयर करूंगा 10 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अंत में आपसे टेस्ट लूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स का एनालिसिस हो सके। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो का हम लाइक रेट रखते हैं, टारगेट रखते हैं 1000 लाइक, तो आप ज़रूर फटाफट इससे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं, ठीक है। तो जीके की वीडियो ज़रूर देखिएगा 12 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास अप्रैल 2020 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम है पराग राजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पराग राजा की नियुक्ति की घोषणा की है। बीमा कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेज और बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी एक्सा के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 30 अप्रैल 2020 के बाद राजा विकास सेठ का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले 2.5 वर्ष से भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजडन क्रिकेटर्स एमनेक के 2020 संस्करण में विश्व के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है। उनका नाम है बेन स्टोक्स, ठीक है। याद रखिएगा बेन स्टोक्स को विजडन क्रिकेटर्स एमनेक के 2020 संस्करण में विश्व के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। बेन स्टोक्स भारत के विराट कोहली का स्थान लेंगे, जिन्हें विजडन द्वारा लगातार 3 वर्ष तक यह सम्मान दिया गया था। वे 2005 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ समकालीन खिलाड़ी बनने वाले पहले अंग्रेजी खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था 2020 की पहली तिमाही कोरोना वायरस महामारी के कारण कितने प्रतिशत तक सिकुड़ गई है। दोस्तों वो है 6%। याद रखिएगा कोरोना वायरस महामारी के कारण फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था 2020 की पहली तिमाही में लगभग 6% सिकुड़ गई है, ठीक है। और बैंक ऑफ फ्रांस ने कहा है कि 1945 यानी 1945 के बाद यह सबसे ख़राब प्रदर्शन था। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि अर्थव्यवस्था 2019 के आखिरी 3 महीनों में 0.1% सिकुड़ गई। इसका मतलब था कि लगातार दो तिमाहियों से देश अब तकनीकी रूप से मंदी में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ की मुद्रा है यूरो, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2020 में किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों और सभी विधायकों के मानसिक वेतन की में 15% कटौती का निर्णय लिया है, ये आपसे पूछा है। दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी बिहार। याद रखिएगा बिहार सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों और सभी विधायकों के मासिक वेतन में 15% की कटौती करने का निर्णय लिया है। कटौती की गई राशि कोरोना उन्मूलन कोष में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में कोविड-19 के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए किस शहर को बफर जोन घोषित किया गया है। दोस्तों वो किया गया अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा गुजरात में कोविड-19 के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए पूरे अहमदाबाद शहर को एक बफर जोन घोषित किया गया है। यह निर्णय घिरे हुए शहर के भीतर घने आवासों को मद्देनजर लिया गया था जो कोविड-19 के लिए अधिक असुरक्षित हैं। शहर में सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं और वाहनों और लोगों के प्रवेश और निकास की जाँच के लिए 30 चौकियाँ बनाई गई हैं, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों में किस राज्य ने कोविड केयर नामक एक हाल ही में विकसित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा अरुणाचल सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के प्रयास में कोविड केयर नामक एक हाल ही में विकसित ऐप जो है विकसित किया है, ठीक है। जो ऐप संरोध कोविड-19 रोगों के लिए विकसित किया गया है, जिससे वे शरीर के तापमान और महत्वपूर्ण लक्षणों सहित अपने स्वास्थ्य की स्थिति सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। और आपातकाल की स्थिति में रोगी ऐप के माध्यम से मदद के लिए कॉल कर सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस प्रसार से निपटने के लिए किस राज्य के तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवाएं प्रतिबंधन अधिनियम ऐस्मा लागू किया है? दोस्तों किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस प्रसार से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम ऐस्मा लागू किया है, ESMA लागू किया है। भोपाल और इंदौर राज्य के सबसे प्रभावित जिलों में से हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए सुझाव देने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐस्मा जिसने लागू किया है वो किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नोवेल वायरस के खिलाफ नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के बीच यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड नामक एक अनूठी कला पहल के साथ आया है? दोस्तों वो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ICCR। नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के बीच अनूठी कला पहल के साथ आया है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड नामक कला प्रतियोगिता में विश्व स्तर पर प्रतियोगी भाग ले सकते हैं और पहल वैश्विक रोग संचार के इस असहज समय में खुद को व्यक्त करने का एक अनूठा स्व प्रदान करती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं 8 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजडन क्रिकेटर्स एमनिक के भी 2020 संस्करण में विश्व के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd है, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था 2020 की पहली तिमाही में कोरोना वायरस महामारी के कारण कितने प्रतिशत सिकुड़ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का, अप्रैल 2020 में किस राज्य ने एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों और सभी विधायकों के मासिक वेतन में 15% कटौती का निर्णय लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5th है, गुजरात में कोविड-19 के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए किस शहर को बफर जोन घोषित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों में किस राज्य ने कोविड केयर नामक एक हाल ही में विकसित ऐप लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस प्रसार से निपटने के लिए किस राज्य ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा प्रबंध अधिनियम लागू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के बीच यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड नामक अनूठी पहल के साथ आया है? तो इन सभी 8 क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना न भूलें।